तो चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारा लास्ट क्वेश्चन टेक्स्टबुक का एक्सरसाइज का. प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंटरी एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. इसका मतलब क्या हो गया, सर्कमस्क्राइब करना मैंने भी बताया था, सर्कमस्क्राइब मतलब छू कर जाएगा. तो एक आपको एक सर्कल होगा, इधर एक सर्कल होगा है ना, और जो साइड्स हो गए उसके कुछ है ना, थोड़े से हम साइड्स बना लेते हैं ये, तो भाई ऐसा कुछ क्वाड्रिल ऐसा आड़ा टेढ़ा रहेगा, जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहेगा. ये टच कर दिया और एक इसके बाद मैं एक और टच करवाता हूँ फिर. हमने एक रफ बनाया है ये, ठीक है, ऐसा नहीं बस जस्ट ऐसा ही होगा. ये हमने बनाया, ठीक है, देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी, दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आगे की साइड्स मत लेना, ठीक है, समझो. इसके बाद मैंने कोई चार पॉइंट्स पे टच हुआ है, तो इन चार पॉइंट्स को भी हम नाम दे देंगे. ये आया पी, ये पॉइंट है क्यू जहां टच हो रहा है, और ये पॉइंट है आर, और ये पॉइंट है एस जहां पर टच हो रहा है, ठीक है ना. अब आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स ने जो सेंटर पे एंगल, ठीक है, समझो ये सेंटर है, अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स. तो ये देखो ऐसा बनाते, ये मैं ज्वाइन करता हूं, ए बी ने कौन सा एंगल बनाया है सेंटर पे, ये वाला ए ओ बी, ये एंगल बनाया, ठीक है, ये वाला एंगल ए ओ. इसके बाद इसके अपोजिट साइड कौन से हो गए, सी डी, इसने सर्कल सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया, ये वाला है ना सी ओ डी. ये हमको बताना है दोनों एंगल सप्लीमेंट्री. इन शॉर्ट हमको प्रूफ क्या करना है, फ्रॉम फिगर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमको प्रूफ करना है. तो सेम किस्सा सेम कहानी जो अभी तक चल रही थी, आपको क्या करना है, ज्वाइन, तो इन शॉर्ट में क्या कर रहा हूं, सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर देते, ये पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूं, ज्वाइन कर देते, फिर ये भी ज्वाइन कर देंगे है ना, आर क्यू पॉइंट यहां पर सी, ये एक आर ये ज्वाइन कर दे, ठीक है, और ये एस भी ज्वाइन कर दिया. अब देखो यहां पर बहुत सारे ट्रायंगल्स बन चुके हैं. समझने के लिए थोड़ा सा हम पहले वाला जो हमारा ये है ये हम हटा देते, ठीक है. अब देखो आपको अलग अलग ट्रायंगल्स मिल रहे हैं. देखो एक ट्रायंगल ये है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, क्लियर है, ऐसे आठ ट्रायंगल बन गए, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल ने किया है ना, तो आठ बन गए. ट्रायंगल ने किया था तो छह बन गए, दुगने बने, जितने साइड से उसके दुगना हो रहा था, ठीक है, जैसे प्रीवियस केस में. सेम यहां पर भी आप ट्रायंगल देखो वन एंड एट को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, हाँ कि ना, क्योंकि एपी की लेंथ और एएस की लेंथ इक्वल होगी, एओ इक्वल होगा ओपी और ओएस, तो आपका, चलो मैं डायरेक्ट लिख कर दिखा देता हूं, इन ट्रायंगल लिख लेते, इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल एओएस, एओ इज इक्वल टू एओ कॉमन साइड से आया ना, एपी इज इक्वल टू एपी टेंजेंट से, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ये कॉमन साइड है, ठीक है. इसके बाद ओ पी और ओ एस दोनों रेडियस, तो साइड 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 थ्योरम से दोनों ट्राइंगल्स ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, आगे ना बाय एस 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 टेस्ट, ठीक है. मतलब इनके जो एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे, वो भी इक्वल आ जाएंगे. अब करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल वन और ये एंगल एट, ऐसा मान लीजिए. तो लिख लो एंगल ए ओ पी
is congruent to angle AOS, हाँ कि ना? Corresponding angles of congruent triangle, इससे आपने बता दिया। मतलब मैंने अगर ऐसा मैं ऐसा आपको समझाने के लिए अगर ऐसा कहूँ कि ट्राइंगल वन और ट्राइंगल एट के जो एंगल वन, ये एंगल जो है और ये एंगल एट इक्वल हो गए, ठीक है ना? तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, ट्राइंगल टू और थ्री को भी कॉन्ग्रोन बता सकते हो, फिर एंगल टू और एंगल थ्री भी इक्वल आएगा। ट्राइंगल फोर एंड फाइव को कॉन्ग्रोन बताओगे तो एंगल फोर और फाइव भी इक्वल आएगा। ऐसे सब इक्वल करना शुरू कर दोगे, दो 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 के पेयर, हाँ कि ना? डायरेक्टली लिख लेना यहाँ पे सिमिलरली, ठीक है, सारे कॉन्ग्रोन रहेंगे, पूरा लिख लेना। उसके बाद मैं एंगल्स लिखना शुरू करता हूँ, समझने के लिख रहा हूँ, आप नाम लिखना। जैसे यहाँ पर मैंने एंगल वन इक्वल्स टू एंगल एट ऐसा लिखा है ना, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल एट, आप नाम लिखना ये ऐसे नाम लिखना। चलो अब एंगल टू विल बी इक्वल्स टू एंगल थ्री, आप नाम लिखना। एंगल फोर विल बी इक्वल्स टू एंगल फाइव, एंड वन टू थ्री फोर होना चाहिए, थ्री फोर, फोर और फाइव एंड सिक्स इक्वल रहेगा, और एंगल सेवन इक्वल टू एंगल एट रहेगा, पूरा नाम में लिखना, ठीक है? अब मुझको बताओ ये सारे एंगल्स जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट, इनकी सम कितनी होगी, टोटल कितना बना रहे हैं? टोटल घूम के जाओ तो पूरा 360 बना रहे ना। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन प्लस एंगल एट इक्वल टू 360, राइट डिग्री, ये तो लिख सकते हैं। अब आपको पता है टू एंड थ्री इक्वल है, तो मैं इसकी जगह एंगल टू लिख दूंगा दो बार, हाँ कि ना? सही है। और एंगल वन और एंगल एट इक्वल है, इसके लिए मैं टू टाइम्स एंगल वन लिख देता हूँ, सही है? देखो हमको जो प्रूफ करना है, एओबी किससे बना है, वन और टू से, इसलिए हम वन और टू लाएंगे। सीओडी, सीओडी किससे बना है, फाइव और सिक्स से बना है, तो मैं फाइव और सिक्स ही लिखूंगा, ठीक है, जब लिखना है। अब फोर और फाइव इक्वल है तो कैसे करोगे, टू टाइम्स ऑफ एंगल फाइव, और सिक्स एंड सेवन इक्वल है तो लिखोगे टू टाइम्स ऑफ एंगल सिक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब डिवाइड करो टू से ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय टू कर दोगे तो टू गया, टू गया, टू गया, टू गया, इधर ये कट के 180 डिग्री आ गया, हाँ कि ना? तो मिल क्या गया आपको, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप ये जो एंगल वन टू थ्री जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, ये शॉर्टकट दिख रहा है तो वन टू थ्री नंबर लगाते हैं, ऐसा कोई, ये सिर्फ मैंने नोटेशन यूज किया है, ये नेमिंग कन्वेंशन नहीं है। नेवर मेक सच राइटिंग इन योर बोर्ड एग्जाम। अब मुझको बताओ एंगल वन और टू मिलकर कौन सा एंगल बन चुका है, मतलब आप नाम लिखोगे ए ओ पी लास्ट में आपको दिखेगा, और एंगल बी ओ पी टोटल कितना हो गया, एड हो गया नहीं है, तो बन जाएगा ए ओ बी, हाँ कि ना? तो बस ये हो गया एंगल ए ओ बी प्लस ये एंगल कौन सा है, फिफ्थ और सिक्स मिला हो तो सी ओ डी बन जाएगा एंगल आपको, तो जस्ट लिख दो एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हो गया ना सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों की एडिशन 180 होती है, हेंस प्रूव्ड, सिंपल राइट। इस तरीके से 13th वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ना समझ में आया फिर से वीडियो देखो एक बार, बार बार कह रहा हूँ वन टू थ्री मत करना, ये सिर्फ समझने के लिए हमने लिखा है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।